नंबर सिस्टम संख्या पद्धति, संख्या पद्धति है, संख्या है। संख्या कितने प्रकार की होती है आपके? दो प्रकार की। नंबर एक तो है आपके वास्तविक संख्या है, ये संख्या है मतलब नंबर, और संख्या दो प्रकार की होती है, एक होता है आपके रियल नंबर, या उसे बोलते हैं वास्तविक संख्या है, और एक होती है आपके अवास्तविक संख्या। इसकी केवल कल्पना की जाती है, असल में ऐसी होती नहीं। अब भाई मेरे को क्या बोल मांगे। अब ये कितने प्रकार होती है आपके? दो प्रकार। पहले तो है आपके परिमेय संख्या, मतलब कि परिमेय संख्या होती है रैशनल नंबर, दूसरी होती है आपके अपरिमेय संख्या। रैशनल नंबर या पूरा आई भी बड़ा, अवास संख्या मतलब आपके नॉट रियल नंबर है या अनरियल नंबर जो भी कह सकते हो, और सिंपल है आपके दो तीन संख्या होती है वो केवल होती है आपके अंडर रूट वाली, जैसे माइनस में 7, माइनस में अंडर रूट के 5, या माइनस में 16 ही कह दो, माइनस में 100 कह दो, 100 का नोट निकालेंगे कैलकुलेटर से भी माइनस का तो भी नहीं निकलेगा, 10 आएगा लेकिन जरूर, लेकिन ऊपर लिखा आएगा एरर। आप किसी भी संख्या का नोट निकालेंगे माइनस लगाकर तो नहीं निकलेगा, और निकालोगे तो एरर ही आएगा लिखा हुआ। और ये नंबर कितने प्रकार होते हैं आपके? मतलब वास्तविक संख्या होती है दो प्रकार, परिमेय और अपरिमेय। परिमेय किसे कहते हैं? जिसे हम पी अपॉन क्यू के रूप में लिख सकते हैं, जिसे पी बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं। जहां आपके Q का मान क्या नहीं होना चाहिए? जीरो नहीं होना चाहिए, P बटा जीरो नहीं होना चाहिए, ऊपर आएगा जीरो चलेगा, लेकिन भाग में ये वाली संख्या जीरो नहीं होनी चाहिए, ऊपर तो जीरो आएगा चलेगा, जीरो बटा 10 लिखा हुआ राइट है, लेकिन जीरो 10 बटा जीरो लिखा हुआ तो अपरिमेय हो जाएगी। अब ये संख्या है आपकी, आपको ये याद रखनी है, क्योंकि ये तो खूब ये एक तो यहां पर ऐसे ये आपके तीन प्रकार की होती है, एक तो होता है पाई जिसका मान होता है आपके 3.1 तक, खत्म ही नहीं होता एंड तक चलता रहता है। फिर है आपके इसका मान भाई बड़ा साथ ही बोलते हैं, लेकिन आपको 3 पॉइंट जो मान दे रहे पूरा वो वाला मान है, सिंपल कह दो पाई, अगर पाई लिखा हुआ है तो क्या होगी आपके अपरिमेय संख्या होगी। दूसरा है आपके अनुवासनी अनावर्ती, या ऐसे कह सकते हो अशांत अनावर्ती, या जिसकी पुनरावृत्ति नहीं होती, वापस नहीं आती है। जैसे मान लो 0.10 लिखा हुआ है, अब क्या आ रहा है आपके 100 आ रहा है, फिर आ रहा है आपके 1000, 10 वापस नहीं आ रहा है, 10 से वापस क्या आ गया 100 आ गया, अब 1000 आ गया, ऐसे संख्या है। या समझ लो 0.7 है, इस पास 4.7-8 आ गया, फिर आपके 4.7-9 आ गया, या फिर आपके 4.7 के साथ 2 आ गया, मतलब वापस रिपीट नहीं हो रही संख्या। 47 के बाद तो 47 ही आना चाहिए लगातार, लेकिन आपके 47 के बाद 47 के वापस 8 आ गया, फिर 47 वापस 9 आ गया, तो संख्या वापस रिपीट नहीं हो रही है। तो ये क्या अनावृत्ति है? आवृत्ति नहीं है, अनावृत्ति है वापस रिपीट होती है। एक तो ये क्या है वापस रिपीट नहीं हो रही, वापस नहीं आ रही संख्या। और तीसरा होता है आपके जिसका स्क्वायर रूट हमने निकाल सकते, कंप्लीट नहीं निकाल सकते, मतलब के जैसे 16 का निकाल सकते हैं
तो ये तो हो जाएगी आपके परी में, मतलब रास में हो जाएगी। लेकिन जैसे जिसका अंडरूट नहीं निकाल सकते, मान लो 7 आ गया, 5 है या 10 है या 11 है, कोई भी संख्या, मतलब एक इसमें अंदर आपके 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49 है, 6 कितना 100 है, ऐसा नहीं आना चाहिए। इसके अलावा और संख्या है, जैसे मान लो संख्या लिखी हुई है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, तो एक इसमें आ जाएगा, 2 हुआ तो इसमें आ जाएगा, 3 भी इसमें आ जाएगा, 4 इसमें आ जाएगा, क्योंकि 4 का कितना होता है 2 होता है। जिसका वर्णमूल निकलेगा वो यहाँ पर, इसका नहीं निकल रहा है वो यहाँ आ जाएगा आपको। अब बाकी की इन संख्याओं के और इन संख्याओं के अलावा जितनी भी संख्या है वो सारी सारी क्या हो जाएगी, आपके परिमेय संख्या हो जाएगी। जैसे नंबर 1, नंबर 1 है आपके प्राकृतिक संख्या, या प्राकृतिक संख्या भी बोलते हैं, प्राकृतिक बोलो तो भी राइट है और प्राकृतिक संख्या बोलो तो भी राइट, मतलब नेचुरल नंबर जो हमें प्रकृति से मिला, वो होता है 1 से स्टार्ट, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसा चलता रहे अनंत तक, अनंत तक चलता रहेगा, इनफिनिट नंबर तक चलता रहेगा। फिर है आपके ताकत के बाद आती है पूर्ण संख्या भी आती है, पूर्ण संख्या में क्या हो जाएगा आपके मूल नंबर, इसमें आता है वही संख्या वापस, इसमें एक जीरो एक्स्ट्रा आएगा, 0, 1, 2, 3, 4 चलता रहेगा। इस संख्याओं को आप क्या कह सकते हो, मतलब इसको आप पूर्ण भी बोल सकते हो, क्योंकि ये इसमें भी आती है, ये संख्या पूर्ण भी कहलाएगी और ये संख्या आपके प्राकृत भी कहलाएगी। इसमें भी जीरो के अलावा सारी संख्या क्या है आपके प्राकृत की है। फिर है आपके पूर्णांक, इंटीजर, इसमें देख लो सही इंटीजर, इसमें क्या है आपके जीरो बीच में, इधर तो संख्या है आपके प्लस की और इधर है आपके माइनस की, इधर भी अनंत तक, इधर भी अनंत तक, बीच में आ जाएगा आपके जीरो, वो कहते हैं पूर्णांक। फिर है दशमलव वाली, दशमलव दशमलव वाले दोनों आएंगे, नंबर 1 शांत और नंबर 2 है आपके अशांत, अशांत वो भी कौन सी आवर्ती वाली, एक तो शांत आवर्ती और एक अशांत आवर्ती। अशांत होती है आपके क्या नाम है, जैसे ये तो है आपके अनावर्ती, वहां पर रिपीट नहीं हो रही, इसमें वहां पर रिपीट होगी आपको, टर्मिनेटिव और नॉन टर्मिनेटिव बोलते हैं इसको, तो बोलते हैं टर्मिनेटिव और इसे बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिव। जैसे मान लो 4 में भाग दिया 5 का, अब देखो ये संख्या कैसे लिखी हुई है, p बटा q के रूप में लिखी हुई है, यहाँ पर ये क्या हो गया आपकी परिमेय भी हो गई, तो अगर मतलब ये परिमेय है तो इसका उत्तर निकालेंगे 0.8, या गया शांत उत्तर, तो क्या कहलाएगी आपकी, ये अगर शांत है और ये अगर परिमेय है तो ये भी क्या कहलाएगी आपके परिमेय कहलाएगी। 2/3 का भाग दो आता है 0.666666 आता रहेगा, वापस आवर्ती आ रही है, 6 ही आया वापस 6 ही आ रहा है, 6 लगा लगातार 6 ही आ रहा है वापस, जो संख्या वापस आवर्ती हो रही है। या जैसे मान लो 1/7 है, उसका मान क्या होता है 0.142857142857142857 चलता रहेगा, ये संख्या बार बार क्या हो रही है आपकी रिपीट हो रही है। ये क्या दो, क्योंकि आप ये संख्या इससे पहले ऐसी थी, कैसी थी, भिन्न थी, तो ये संख्या अगर आपके परिमेय हो सकती है तो ये भी क्या होगी आपके परिमेय, ये संख्या आपके इससे पहले ऐसी थी तो आपको ये अगर आप परिमेय है तो ये भी क्या कहलाएगी परिमेय कहलाएगी। यहाँ भी उदाहरण दे सकते हैं, जैसे मान लो मैंने 7 का भाग दिया 8 में, उत्तर आया आपके 0. हो जाएगा आपके 8, 7, 5 बस भाग हो गया, स्टार्ट पर चला गया बार, तो ये संख्या आपके परिमेय है तो ये भी क्या कहलाएगी परिमेय, क्योंकि दोनों बीच चिन्ह कौन सा है आपके इक्वल का चिन्ह,
ये परी में, ये भी परी में हो जाएगी। अशांत है, नॉन टर्मिनेटिंग है, और ये क्या है आपके, रिपीटिंग है, वापस रिपीट हो रही है, वापस रिपीट हो रही है, आवर्ती वापस आ रही है, और ये नॉन रिपीटिंग है। अशांत, नॉन टर्मिनेट, नॉन रिपीटिंग। दस मिनट में बाहर की और आती है आप। एक वो आती है आपके अंडर रूट वाली, स्क्वायर रूट वाली, जिसका हम स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। जैसे मान लो 16 का कितना होता है 4, ये क्या है परी में, अभी तो ऊपर मैंने बता दिया 4 परी में है, तो ये 16 भी क्या होगी आपके परी में होगी, इसका निकल गया परी में, जिसका नहीं निकलता अंडर रूट वो हो गया आपके अपरी में। जिस जिसका भी वर्गमूल निकलेगा, जैसे वर्गमूल 100 है, या वर्गमूल 121 है, या मान लो 169 है, केवल ये तीन चाप में, ये वाली और ये वाली याद रखो, ये होती है अपरिमेय, ये परिमेय और ये अवास्तविक, बाकी जितने भी नंबर है सब क्या हो जाएंगे आपके परिमेय हो जाएंगे, परिमेय ज्यादा संख्या होती है। और भी आएगी और बताएंगे।